20,000 आदिवासियों की कुर्बानी से शुरू हुई थी आजादी की कहानी। 1855 में जगे थे हिंदुस्तानी। भारतीय स्वतंत्रता की जब भी बात की जाती है तो सैनिक विद्रोह का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। वर्ष 1857 की क्रांति को हिंदुस्तान की पहली क्रांति कहा गया है। सच की बात करें तो ये सच नहीं है। इससे पहले भी एक लड़ाई हुई थी जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं वरन समाज में शोषण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ थी। सामाजिक जन चेतना के लिहाज से यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण था। इतिहास में इसे संथाल हूल या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नाम के दो आदिवासी भाइयों ने 30 जून 1855 से प्रारंभ किया था। इस घटना की याद में प्रतिवर्ष 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। आइए आपको इसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। क्रांति की मुख्य वजह। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक सदियों से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने इस पर मालगुजारी भत्ता लगा दिया। इसके विरोध में आदिवासियों ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि 20,000 से ज्यादा आदिवासियों को जान से हाथ धोना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ रोष था। आदिवासी अंग्रेजों से इतना चिढ़ गए कि वे उन्हें हर हाल में अपने क्षेत्र से भगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो के नारे दिए गए थे। चार सगे भाइयों ने पूरी हुकूमत हिला दी थी। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व चार सगे भाई सिद्धू कान्हू चांद और भैरव कर रहे थे। उनके साथ पूरा आदिवासी समाज था। तो का मुकाबला तीर से किया जा रहा था। इस लड़ाई में हार आदिवासियों की तय थी। अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे जबकि आदिवासियों के पास धनुष और तीर के अलावा कुछ नहीं था। आदिवासियों के पास हिम्मत तो थी लेकिन धूर्त गोरों को हराना मुश्किल था। इतिहासकारों की नज़र से संथाल विद्रोह। इतिहासकारों ने संथाल हूल को मुक्ति आंदोलन का दर्जा दिया है। हूल को कई अर्थों में समाजवाद के लिए पहली लड़ाई माना गया है। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों से मिलवाते हैं। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा के प्रोफेसर उमेश चंद्र तिवारी कहते हैं, देश की आज़ादी का संभवत पहला संगठित जनवरी अभियान हासिल करने के लिए तमाम शोषित वंचितों ने मुखर स्वर जान की कीमत देकर बुलंद किया। डॉ भुवनेश्वर अनुज की पुस्तक झारखंड के शहीद के मुताबिक इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने राजस्व के लिए संथाल पहाड़ियों तथा अन्य निवासियों पर मालगुजारी लगा दी। इसके बाद न केवल यहाँ के लोगों का शोषण होने लगा था बल्कि उन्हें मालगुजारी भी देनी पड़ रही थी। इस कारण यहाँ के लोगों में विद्रोह पनप रहा था। झारखंड के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर विमलेश्वर झा कहते हैं कि संथाल हूल के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जर्मनी के समकालीन चिंतक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जून 1855 की संथाल क्रांति को जन क्रांति बताया है। झारखंड के इतिहास के जानकार बी पीक केशरी कहते हैं कि सिद्धू कान्हू चांद और भैरव तारों भाइयों ने लगातार लोगों के असंतोष को एक आंदोलन का रूप बनाया। जमींदार महाजन पुलिस राजरेन अमलों को गुजुपमा जमींदार पुलिस राज के अमले और सूदखोरों का नाश हो। इस क्रांति के संदेश के कारण संथाल में अंग्रेजों का शासन लगभग समाप्त हो गया था। हिंदुस्तान के इतिहास में यह आंदोलन काफी महत्वपूर्ण था है और रहेगा।